अनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए आज तारीख है 3 जून, कल नतीजे आने वाले हैं 4 जून को, लेकिन अब तक बात तो हो रही है नतीजों से पहले एग्जिट पोल की। और एग्जिट पोल की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि एक और एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी ओर एग्जिट पोल में बदलाव भी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दे एग्जिट पोल से जुड़ी हुई, बिहार को लेकर जी न्यूज का एक और एग्जिट पोल सामने आया है। जी न्यूज के AI एग्जिट पोल में बिहार में NDA को बड़ा झटका, तो दूसरी ओर इंडिया को बड़ा फायदा होते दिख रहा है। देखिए जी न्यूज ने पहले सर्वे कराए, बिहार का एग्जिट पोल जारी किया, जिस एग्जिट पोल में NDA को बड़ी बढ़त दी, तो वहीं 5 से 6 सीटों पर सिमट दिया था बिहार में इंडिया अलायंस को। लेकिन अगले ही दिन जी न्यूज ने AI सर्वे की रिपोर्ट को भी जारी किया। AI सर्वे की रिपोर्ट में बिहार में तो खेला हो गया है। देखिए बिहार में मुकाबला NDA वर्सेज इंडिया के बीच था, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के चेहरे एक और, दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के चेहरे। बिहार में तेजस्वी ने खूब पसीने बहाए, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की। इधर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में नरेंद्र मोदी ने 370 से लेकर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर तक की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, किसानों के लेकर बात की, नौजवानों को लेकर बात की। लेकिन इस बीच AI का सर्वे अब आपके सामने है। AI का सर्वे बता रहा है कि बिहार में तो BJP JDU साफ होते नजर आ रही। जरा देखिए ये सर्वे, देखिए जी न्यूज का AI सर्वे आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और ये AI सर्वे जी न्यूज का है जिसमें आप देख सकते हैं 50-50 का मुकाबला बिहार में, 50-50 का मुकाबला बिहार में। AI एग्जिट पोल के अनुसार बिहार की 40 लोकसभा सीटों में NDA और इंडिया गठबंधन के बीच 50-50 का मुकाबला है। 15 से 25 सीटें बिहार में, जो बिहार की सीटें है वो इंडिया अलायंस भी जीत सकती है या फिर NDA अलायंस भी। देखिए 15 से 25 सर्वे का ये अब बढ़ता हुआ आंकड़ा बता रहा है कि बिहार में रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। जी न्यूज का AI एग्जिट पोल ने बिहार में BJP की निंदुरा दी है, बिहार में JDU की निंदुरा दी है। सर्वे में AI एग्जिट पोल ने पाया कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस 15 से 25 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए इधर तेजस्वी यादव और उनकी गठबंधन इंडिया अलायंस ने भी बिहार में इंटरनल सर्वे कराए। एग्जिट पोल के ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा तौर पर किया और कहा कि इस बार देश में 295 और बिहार में 22 सीटें जीत रही है इंडिया अलायंस। लेकिन अब AI सर्वे, AI एग्जिट पोल का दावा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 15 से 25 सीटों के बीच बिहार में इंडिया अलायंस जीत सकती है। 39 सीट 2019 में जीतने वाली इंडिया NDA अलायंस के लिए बड़ा झटका बिहार में, मोदी और नीतीश की बड़ी हार बिहार में होते नजर आ रही। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।